बड़ा सोने का मुर्गी घर। ये उन दिनों की बात है जब पूरे गांव में मुर्गी के अंडों का कहत पड़ गया था। लोग अंडे ना होने की वजह से काफी परेशान थे। वो जिस दुकान पर भी जाते वहां अंडे मौजूद नहीं होते थे। ये सब कुछ मुर्गियों की बीमारी आने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से लोगों की मुर्गियां मर गई थीं और इसी वजह से अंडों की किल्लत पड़ गई थी। बेटा अंडे मिल गए हैं या आज भी खाली हाथ वापस आया है? नहीं अभी जान, किसी भी दुकान पर अंडे नहीं है। मैंने एक एक दुकान देख ली है। बेटा बस एक अंडे ही सस्ते थे, अब वो भी बाजार में खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे अंडे खाएंगे और कैसे मैं अंडों की दवाई बनाऊंगी? अभी जान फिक्र मत करे, जैसे ही मुर्गियों की बीमारी खत्म होगी फिर मार्केट में अंडे आना शुरू हो जाएंगे, हम तभी अंडे खाएंगे। तो बेटा एक दफा दूसरे गांव में जाकर अंडों का पता कर, शायद वहां से अंडे मिल जाए। ठीक है अम्मी जान, मैं जाता हूँ। फिर वो लड़का घर से निकलकर दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। हाल चाल बात, कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में क्यों हो? यार इस गांव में तो अंडे खत्म हो गए हैं, हमें अंडों की बहुत जरूरत है, दूसरे गांव जा रहा हूँ अंडों का पता करने के लिए। ओ भाई, दूसरे गांव में सिर्फ एक ही जगह है जिसके पास अंडे है, क्योंकि उसका खुद का मुर्गी फार्म है। वाकई यार, क्या तुम मुझे उस जगह का पता बता सकते हो जहाँ से ये अंडे मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस जगह का नाम मुर्गी घर है। फिर वो उसे मुकम्मल पता बताता है, उस जगह का नाम मुर्गी घर होता है। यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। फिर सलमान चलते चलते दूसरे गांव पहुँच जाता है और आखिरकार वो उस मुर्गी घर तक आ जाता है जहाँ उस पोल्ट्री फार्म का मालिक बैठा होता है। हाँ लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? अंकल मैं साथ वाले गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अंडों की किल्लत हो गई है, इसलिए मैं आपके पास अंडे लेने आया हूँ। लड़के किल्लत तुम्हारे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हो गई है। मैं तो एक अंडा 200 रुपए का दूंगा, बताओ कितने दर्जन अंडे दूं? अंकल ये तो बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हो आप, एक अंडा तो 10 रुपए का मिलता था। वो दौर चले गए, अगर अंडा लेना है तो 200 रुपए के हिसाब से मिलेगा, वरना यहाँ से चले जाओ। वो लड़का ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी। ओ बेगम, इस मुर्गी ने तमाशा क्या बनाया हुआ है, कभी दरख के नीचे अंडा देती है, कभी पहाड़ की चोटी पर देती है, ये इसने मजाक क्या बना रखा है, यहाँ पर अंडा नहीं है। ओ मुर्गी की बच्ची बता, अंडा कहाँ पर देख के आई है? बोल मेरी प्यारी मुर्गी, या फिर किचन से ले के आऊं छुरी? बेगम अब ये छुरी से डरने वाली नहीं है, इसे अपनी अहमियत का पता लग गया है कि अंडा कितना महंगा हुआ पड़ा है। जब से इसने सुना है अंडा 200 रुपए का हो गया है, ये तो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप की बेटी समझने लग गई है। देख देख इसकी चाल कैसे मटक मटक के चल रही है। अच्छा मिट्टी से दबा न बना, चल इसका अंडा ढूंढ के आते हैं। हाँ बेगम चल, पीपल के दरख के नीचे चलते हैं। फिर वो दोनों अंडा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जब वो उस दरख्त के पास आते हैं तो वहाँ वो अंडा पड़ा होता है। देख ले मिट्टे, मैंने कहा था ना इसने दरख्त के पास अंडा दिया हो बेगा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वो लड़का वहाँ आ जाता है। भाई जान ये मुर्गी का अंडा मुझे दे दो, मेरी अम्मी ने आज अंडों की भुजिया बनानी है, फार्म वाला तो दर्जन से अंडे कम नहीं दे रहा। ओ मेरा वीर, अंडा लेना है तो 200 रुपए से कम नहीं दूंगा। ठीक है भाई, आप मुझे 7 अंडे दे दो। ओ मेरा वीर, ये मुर्गी है मशीन नहीं, रोज एक अंडा देती है, अगर 7 अंडे लेने हैं तो 1400 रुपए जमा करवा जाओ, हफ्ते बाद आकर ले जाना। ठीक है भाई, मैं आपको 1400 रुपए दे देता हूँ, हफ्ते बाद आकर आपसे अंडे ले जाऊंगा। फिर मीठा उससे 1400 रुपए ले लेता है और घर पहुँच कर अपनी माँ को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, अंडे बेके हैं तो क्या हुआ, हमें हफ्ते बाद अंडे मिल जाएंगे, फिर मैं अंडों की भाजी भी बनाऊंगी और अपनी बीमारी के इलाज के लिए दवाई भी बनाऊंगी। फिर अगले दिन सलमान एक काम से बाहर जाता है तो उसे पता चलता
पता है कि मुल्क में अंडों का इतना सख्त बहरान शुरू होने वाला है कि एक अंडा 500 रुपए का मिलेगा। वो ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अपनी माँ को बताता है, अम्मी जान मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है, बहुत जल्दी अंडा 500 रुपए का हो जाएगा। अच्छा बेटा शुक्र है तूने 7 दिन पहले ही अंडे बुक करवा दिए थे। जी अम्मी जान असल में मैंने आने वाली किल्लत को भांप लिया था, इसलिए ही अंडे बुक करवा दिए थे। बेटा बस तू हफ्ता पूरा होते ही वहाँ पहुँच जाई और उससे अंडे ले आई। जी अम्मी जान आप बेफिक्र होकर दाल पकाएं, हफ्ते बाद मैं अंडे लेकर आपकी झोली में डाल दूंगा। वहाँ मीठे को भी इस बात का पता लग जाता है कि एक अंडे की कीमत 500 रुपए होने वाली है, इसलिए वो मुर्गी घर फार्म हाउस के मालिक से सौदा कर लेता है। हाँ हाँ बेटे मुझे पता है तुम्हारे पास एक मुर्गी है, तुम 500 रुपए के हिसाब से मुझे रोज एक अंडा देते रहो, मैं तुम्हें एडवांस में 2,00,000 रुपए दे देता हूँ। वाह सर वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है, मुझे ये सौदा मंजूर है, आप मुझे 2,00,000 रुपए दे दो और मेरे से रोज एक अंडा लेते रहना। फिर मीठा उससे 2,00,000 रुपए ले लेता है और मालिक रोज मीठे के घर अपना मुलाजिम भेजता है और उससे एक अंडा लेकर आता है। इस तरह एक हफ्ता पूरा हो जाता है। अम्मी जान आज हफ्ता पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ अंडे लेने के लिए। हाँ हाँ बेटा और जरा अंडे अच्छी तरह छुपा कर आई, ऐसा ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए या कोई चोर तुझसे अंडे ना चोरी करके ले जाए। अम्मी जान आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत एहतियात से अंडे लेकर आऊँगा। फिर वो लड़का अंडा लेने के लिए घर से निकल जाता है और चलता चलता मीठे के पास पहुँच जाता है, तो उस वक्त मुर्गी घर के मालिक का मुलाजिम उससे अंडा लेकर जा रहा होता है। भाई जान ये आपने अंडा इसको क्यों दे दिया? मेरी मर्जी, अंडा किसका है? मेरा। मुर्गी किसकी है? मेरी। मुर्गी के पेट में देसी घी का दाना कौन डालता है? मैं। तो मैं जिस मर्जी को अंडा दूं। भाई पर मैंने तो आपको अंडों के पैसे दिए हुए थे, मुझे 6 अंडे दे दो। 6 अंडे? अपनी शक्ल देखी है, एक अंडा 500 का हो गया है और तू मुझे 200 रुपए के हिसाब से पैसे देकर मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। चल भाग जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है और कोई अंडे नहीं है। वो लड़का मीठे की ये बात सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो दरख्त के पास से गुजर रहा होता है तो उसे वही मुर्गी नजर आती है। ये तो वही मुर्गी है ना जिससे मीठा रोज अंडे निकलवाता है, इसने मेरे से 1,400 रुपए लिए है, मैं इसकी मुर्गी ले जाता हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। वो लड़का मुर्गी उठाता है और अपने साथ ले जाता है तो रास्ते में मुर्गी बोल पड़ती है, लड़के मुझे नीचे उतार, मैंने तुझसे बात करनी है। मुर्गी को बोलता देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और उसे नीचे उतार देता है। मुर्गी बाजी आप बोलती भी हो? हाँ बोलती हूँ, ये तो उस मीठे मनहूस ने मेरे अंडे निकलवा कर मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, तुम मुझे इसलिए लेकर जा रहे हो ना कि तुम मेरे अंडे बेचोगे? नहीं नहीं मुर्गी बाजी, मैं आपके अंडे हरगिज नहीं बेचूंगा, बल्कि उनसे दवाई बनाऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों का इलाज होता है और मेरी अम्मी भी बीमार हैं, उनका भी इलाज करेंगे। इसका मतलब तुम्हें पैसों की लालच नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। पर मुर्गी बाजी आप तो रोज एक अंडा देती हो ना? ये तो मैं उस लालची इंसान को एक ही अंडा देती थी, तुम मेरे अंडे देखना चाहते हो? जी जी मुर्गी बाजी दिखाओ। फिर वो मुर्गी एक झटके से एक बड़े सोने के घर में बदल जाती है। वो लड़का उसके अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो लड़का बाहर आता है। हाँ आप देख लिए मेरे अंदर कितने अंडे हैं? वाह वाह मुर्गी बाजी, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ताकि मेरी उस मीठे से जान छूट जाए, तुम चाहो तो मेरे अंदर भी रह सकते हो और जितने मर्जी चाहे अंडे भी ले सकते हो। फिर वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को बताता है तो वो मुर्गी सोने के मुर्गी घर में बदल जाती है। वो दोनों माँ बेटा उसके अंदर जाते हैं और काफी सारे अंडे इकट्ठे करते हैं। अगले दिन मुर्गी घर के मालिक का मुलाजिम मीठे से अंडा लेने आता है तो मीठा हर जगह मुर्गी ढूंढता रहता है लेकिन मुर्गी नहीं मिलती। भाई तुम फार्म पर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ।
फिर मीठा घर आता है। बेगम मैंने मुर्गी हर जगह देख ली है, कहीं पर नहीं है। मीठे तुझे कहा था ना इसको दड़बे में बंद करके रख दे, तूने बात नहीं मानी, अब देख ले अंजाम क्या होगा। बेगम अब वो मुर्गी घर का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा, तू 2 लाख रुपए दे ताकि मैं उसको वापस कर दूं। फिर मीठा 2 लाख रुपए लेकर उसके पास जाता है और उसके 2 लाख रुपए वापस कर देता है। मीठे को सिर्फ 1400 की लालच में 2 लाख का नुकसान हो जाता है, इसलिए लालच और बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।